हेलो दोस्तों, ये है KP UPSC, आपका अपना सेल्फ स्टडी गाइड। और आज है 16 जनवरी और आपकी आंखें लगी होंगी 18 जून 2017 पर, आज से 5 महीने और 1 दिन बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी लेक्चर सीरीज GS2 पर होने वाली है, सामान्य अध्ययन सेकंड, जनरल स्टडीज सेकंड। तो मेंस में इसका टाइटल ये है, पढ़ लेना चुपचाप से, हिंदी उसका ये है और प्रीलिम्स में ये है। तो जब भी तैयारी करेंगे UPSC के लिए किसी भी टॉपिक की, हम पहले मेंस की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्री की तैयारी उसके साथ साथ हो जाए। मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ अपने पहले गाइडेंस वीडियो में कि आप फेज़ 1 में जब तैयारी करोगे, प्री और मेंस आपकी दोनों बेसिक स्टडी में होनी चाहिए, इवन इंटरव्यू की तैयारी भी वहीं होगी। खैर आगे देखें कि इस लेक्चर के टॉपिक क्या है, बाद में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर की खास बात यह है, ये एक कॉमन लेक्चर होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। अगले लेक्चर्स सेपरेट होंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कुछ लेक्चर्स वहाँ भी कॉमन हो सकते हैं। और बिलीव मी हिंदी मीडियम वालों कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये चैप्टर होने वाला है, आपको कुछ भी टर्म टफ नहीं लगेंगे। अगर एक आधी टर्म आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती भी है तो उसका गूगल मीनिंग सर्च कर लो, इवन बुक में भी सर्च करने की नीड नहीं है। तो इसमें हम ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले ये सब लिखा हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में है, यानी कि संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी आपकी ये बॉडीज़ हैं स्टैचुटरी, रेगुलेटरी व क्वाजी जुडिशल बॉडीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वाजी जुडिशल आपकी संवैधानिक हो भी सकती, नहीं भी, और बाकी हम आगे डिफरेंस देखेंगे पूरा। और प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, उनका रोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके NGO SHG वगैरह नहीं है, प्रेशर ग्रुप यानी कि प्रभावक समूह। खैर इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो एक वर्ड लिखा हुआ एक चैप्टर है, EC इलेक्शन कमिश्नर, SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयोग हैं ये लोग, CAG आप जानते होंगे उनका नाम, अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं रख लो तो कोई बात नहीं। नेम्स एंड नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। ये होते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आप UPSC और SPSC को जानते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा। FC और SFC वित्तीय आयोग, फाइनेंस कमीशन, NCSC और NCST नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, ये दो अलग अलग लोग हैं। SOLM स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। फिर AGI और AGS भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि मुकुल रोहतगी हैं अभी। फिर आपके AGS राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आपके दोनों लोग लॉयर वकील होते हैं। फिर आप NHRC और HHRC के बारे में पढ़ोगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट राइट्स स्टेट HRC। फिर आप LCI, ये आपका लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग। फिर आप CIC और SIC के बारे में पढ़ेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। फिर आप CVC के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर आप CBI के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर आप लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ कवर कर लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी आप पढ़ लेंगे। बट आप ये सब पढ़ते हुए दो चीज़ें याद रखेंगे, सेम और सिमिलर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कृपया एक बार वो पॉलिटी गाइडेंस वीडियो देख लो। सेम और सिमिलर, यहाँ पे आपको एक बार डिफरेंस क्लियर कर दूँ, सेम वो चीज़ मैं कहूँगा जो स्टेट में भी वही बॉडी करती है जो भी सेंटर में करती है। जैसे पार्लियामेंट अगर स्टेट में कर रही है, पार्लियामेंट अगर सेंटर में कर रही तो पार्लियामेंट ही आपकी स्टेट में करेगी। इसी तरह अगर स्टेट में आपके गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन सॉरी आपके सेंटर में प्रेसिडेंट कर रहे हैं और स्टेट में भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो आपकी सेम चीज़ है। सिमिलर मैं तब कहूँगा जब सेंटर में आपकी पार्लियामेंट है, स्टेट में उसकी रेस्पेक्टिव बॉडी है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। सेंटर में आपके प्रेसिडेंट हैं, स्टेट में आपकी गवर्नर है। सेम और सिमिलर ये दो चीज़ें आप याद रखना इस पूरे लेक्चर के लिए और इन 4 पेजों के लिए। यहाँ सोर्स क्या है, ये पूरा सोर्स है, पढ़ लो, 4th और 5th एडिशन दोनों में, पार्ट 7th और 8th में लक्ष्मीकांत चाचा ने दिया, ताऊ जी ने दिया हुआ है। और बाकी कुछ डिस्क्रीट सोर्सेज से मैंने इन्हीं की किताब से या इंटरनेट से उठाया है, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अलग से उठाया है। पार्ट 7 और पार्ट 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनके बारे में बताता है। तो पहले मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान ने किसी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में लिख के बता दिया है, जैसे आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते हैं आर्टिकल 324 में, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़
संविधान इनके बारे में नहीं बताता। ज़रूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट, पीएल या स्टेट लेजिस्लेचर, आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, आगे आपको इस लेक्चर में काम आएंगे। आपका 4 पेज में पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा कितनी भी देर का हो। तो स्टैचुटरी बॉडी, वैधानिक बॉडीज़, वैधानिक निकाय, ये होते हैं जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर आपकी किसी एक्ट से, किसी विधान से इनको बनाते हैं, तो ये आपकी स्टैचुटरी बॉडी हो जाती हैं। और भी कुछ बॉडीज़ होती हैं जिन्हें मैं अदर्स कहूँगा, जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर या सर्कुलर, इन सब चीज़ों से बनाई जाती हैं। टेम्प्रेरी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती हैं। तो चलो हम स्टार्ट करें, पढ़ेंगे कैसे इन सब चैप्टर्स को। हम एक चैप्टर हमारा ऐसे है, वर्टिकल रो, खड़ी हुई जो लाइन है, ईसी और एससीसी, ये उस चैप्टर के बारे में है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसे हॉरिजॉन्टली। आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो सबके लिए एक साथ पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे तो सबका एक साथ पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे तो सबका एक साथ पढ़ेंगे। इस तरह से हम सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए एक साथ ख़त्म कर लेंगे। तो चलो शुरू करें। एक चीज़ जो मैं बता चुका हूँ, नेम्स और नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ लेकिन आर्टिकल और पार्ट आपको पढ़ लेने हैं। तो इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑब्लिक से पहले जो चीज़ है वो आपका पहले वाली चीज़ के लिए होगी, बाद वाली ऑब्लिक के बाद वाली चीज़ के लिए। जैसे पार्ट 15 आपका इलेक्शन कमीशन के लिए है, पार्ट 9 आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए है, आर्टिकल 324 है, ये सब पढ़ लो आप। आर्टिकल यहाँ क्लियरली लिखे हुए हैं, पार्ट आपके क्लियरली लिखे हुए हैं। सीएजी आपका एग्जीक्यूटिव्स में आता है, यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के लिए आर्टिकल सेम है, दोनों पार्ट 14 में आया करते हैं। इसी तरह से जब आप इन बॉडीज़ के बारे में पढ़ोगे, फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग, इनके बारे में पढ़ोगे, दोनों आपके आर्टिकल 280 में दिए हुए हैं पार्ट 12 में। एनसीएससी और एनसीएसटी दोनों आपके आर्टिकल 338 में थे पहले, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उन्हें क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अब दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। और एनसीएसटी के लिए आर्टिकल अब है 338A, दोनों पार्ट 16 में है। इसी तरह एसओएलएम आपका आर्टिकल 350B पार्ट 17, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। एजीआई और एजीएस दोनों आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, और या फिर वही चीज़ सेम एंड सिमिलर, वो चीज़ याद रखोगे, सेंटर के एग्जीक्यूटिव हैं और ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव हैं। तो 76 और इनके लिए है आर्टिकल 165, पार्ट 5 और 6 में ये लोग आया करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनएचआरसी और एसएचआरसी, ये सब लोग क्या है, इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो ये किसी एक्ट से बनी हुई हैं, ये सब स्टैचुटरी बॉडीज़ हैं। एनएचआरसी के लिए आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉर्ड मैकॉले, अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था 1833 का जो एक्ट है, हिस्ट्री और हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में और लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में दोनों जगह आपको ये मिलेगा पढ़ने को। इनने कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, लाइक सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब चीज़ों को लेके इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है। सीआईसी और एसआईसी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयोग, सूचना का अधिकार 2005 आरटीआई एक्ट यहाँ से आए हैं। सीबीसी के लिए सीबीसी एक्ट 2004 में लेटेस्ट है, आई थिंक ओरिजिनल एक्ट इनका 1964 का है। सीबीआई के लिए जो एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है। इसके साथ हम जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए पढ़ेंगे, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं कि नहीं है, आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, आप सोच लो। आर्टिकल ये लिखे हुए हैं, पढ़ लो, डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए आर्टिकल और पार्ट लिखे हुए हैं, पढ़ लो, रट लो, घोट लो, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट की बात करें, जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, यहाँ भी आपको सेम और सिमिलर की बात याद रखनी है। तो ईसी और एसईसी सेम एंड सिमिलर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो जहाँ जैसे फिट होते हैं उनके खुद के बॉस उनको अपॉइंट करते हैं। सीएजी के साथ एक खास बात है, दोनों स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एक ही बॉडी है, और इनके साथ खास बात यह है कि ये शपथ भी लेते हैं, ओथ भी लिया करते हैं, इकलौते ऐसे महानुभाव हैं इन सब में। यूपीएससी और एसपीएससी, यहाँ भी सेम और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। जब हम फाइनेंस कमीशन एसएफसी दोनों की बात करेंगे तो वही चीज़, प्रेसिडेंट या गवर्नर। एनसीएससी एनसीएसटी दोनों के लिए प्रेसिडेंट, यहाँ दोनों के लिए प्रेसिडेंट। एजीआई और एजीएस दोनों में प्रेसिडेंट और या फिर गवर्नर, वो चीज़ होगी। जब हम इन सब बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो अपॉइंटमेंट देख लो, प्रेसिडेंट सबका देखो, एनएचआरसी एसएचआरसी सबका प्रेसिडेंट है, सीआईसी का प्रेसिडेंट या गवर्नर है, सीबीसी का प्रेसिडेंट। अब सीबीआई और एलसीआई का देखो, यहाँ पे गवर्नर या प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे आपका यूनियन गवर्नमेंट है, तो ये आप डिफरेंस याद रखोगे। सीबीआई के डायरेक्टर को यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब इनमें अपॉइंटमेंट करते हुए इनको किसी से राय लेनी पड़ती है, तो जब ये राय लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जब एनएचआरसी और एसएचआरसी का अपॉइंटमेंट होता है तो एक टीम होती है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के 4 टॉप बॉसेज, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये 4 लोग, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और लोकसभा, ये लोग इनके लिए रिकमेंड करते हैं। लॉ कमीशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सीआईसी और एसआईसी, इनकी पावर्स थोड़ी डाइल्यूट की हुई हैं,
स्पेशली जो SIC हैं, वो जब आप ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ जो टीम बनती है, जो रिकमेंड करती है, ये डिफरेंस है थोड़े थोड़े, याद करना चाहो तो कर लो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्ट वेटेज वाला पॉइंट याद रखना। तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, नॉमिनेटेड मेंबर्स बाई प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर्स, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होगा। तो CVC जब हम बात करेंगे तो अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट ही करेंगे, जो टीम होगी रिकमेंडेशन वाली, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। CBI के लिए बड़ी टीम होती है, CVC होते हैं उस टीम में, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MHA इंचार्ज, इस तरह के काफ़ी सारे लोग हुआ करते हैं। ठीक, जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ सिमिलर नहीं है, सेम है। सेम क्या, सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। CJI को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज को और हाई कोर्ट के जजेस को पूछ लेते हैं। डिटेल में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ कंपेयर की बात करने के लिए हमने इनको उठाया है टॉपिक्स को। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जब जज को करते हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं, CJI सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, जिनको उनकी मर्जी हो उनसे पूछ पूछ के अपॉइंट करते हैं। जब CJHC चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर दोनों को पूछ के करेंगे। इसी तरह अगर हाई कोर्ट के जजेस को करना है तो उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी पूछ लेंगे। डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, गवर्नर करते होंगे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात हो गई, कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, नंबर याद नहीं रखने, मोटी मोटी चीज़ें याद रख लो, बस याद रखो, चलते बनो। ठीक, तो कंपोजिशन, जब हम इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में रही है, कि आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ क्या होते हैं, CEC और कुछ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें कि प्रेसिडेंट बताते हैं कि हाँ इतने होंगे, ये मल्टी मेंबर बॉडी है, और कुछ REC होते हैं, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं। सबकी इक्वल पावर्स होती हैं, CEC और EC की, REC की नहीं, इनकी इक्वल पावर्स होती है और डिसीजन मेकिंग होती है मेजोरिटी से। CAG को उनका स्टाफ भी दिया जाता है साथ में। UPSC में जो चेयरमैन है प्लस मेंबर, मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वही सेम और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट है, स्टेट में गवर्नर, सेंट्रल में प्रेसिडेंट, उनकी स्ट्रेंथ बताते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। UPSC के लिए आई थिंक इट इज़ 9 to 11, मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है। जो एक्टिंग चेयरमैन है, अगर आपके मान लो जो मेंबर हैं उन्हीं में से कोई चेयरमैन बनाना होता है तो वो कब बनते हैं, जब आपके चेयरमैन कहीं चले गए, छुट्टी पे हैं या बीमार हो गए या कोई बात है, तो कौन करेगा, वही सेम और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट याद रखो यहाँ पर। फिर वही कंपोजिशन, अगर फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं, एवरी 5th ईयर या उससे पहले इनको अपॉइंट किया जाता है। NCSC NCST दोनों में चेयरमैन वाइस चेयरमैन 3 मेंबर्स हुआ करते हैं। SOLM AGI और AGS, यहाँ पे कंपोजिशन क्या ही होगा, एक एक लोगों की बॉडी है। जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे NHRC और SHRC, यहाँ पे वो चीज़ मैंने जो आपको बताई थी ऑब्लिक से पहले, पहली वाली चीज़, तो जो चेयरमैन हैं वो होंगे आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NHRC के लिए, SHRC के होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर्स स्ट्रेंथ होगी 4 NHRC के लिए, 2 होगी SHRC के लिए, तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर CJ ऑफ HC के। ऑब्लिक वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, कंफ्यूज हो जाओ तो बुक में एक बार पढ़ लेना। सेंटर के लिए सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के लिए सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, फिर सेंटर के लिए सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाते हैं। उनको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो सर्विंग है तो उसमें एक कंडीशन है कि उनके बॉस को, यानी कि सेंटर में CJI को पूछ के और स्टेट में CJHC को पूछ के, इतना कंफ्यूजिंग है मत याद करो तो भी चलेगा, छोड़ दो इसको, कंपोजिशन इतना याद रख लो कि हाँ अगर सर्विंग है तो बॉस को पूछ के करना पड़ेगा। मोटी मोटी चीज़ याद रख लो कि ये कौन कौन लोग हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, और NHRC में एक्स ऑफिशियो जो उसके मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं NCSC NCST NC ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये लोगों के जो चेयरमैन होते हैं ये NHRC के, स्पेशली SHRC के नहीं, इसके ये लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं आपको पता होगा शायद, आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये उनकी डेस्टिनी है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप राज्यसभा के चेयरमैन तो बन ही जाओगे, आपको वो पावर अपने आप मिल जाएगी, तो इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो बाय द वर्च्यू ऑफ। ठीक है, LCI की बात करें, चेयरमैन और 4 मेंबर्स और बहुत सारी खिचड़ी होती है, मत याद करो। अभी 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चल रहा है,
कन्वेंशन ये है कि इनका जो हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं। सीआईसी और एसआईसी में चेयरमैन और मेंबर होते हैं, लगभग मैक्सिमम 10 सदस्य या मेंबर्स हो सकते हैं। सीवीसी मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं चेयरमैन और मेंबर, आई थिंक तो एक एक लोग ही होने चाहिए, 1 चेयरमैन एंड 1 मेंबर। सीबीआई में डायरेक्टर होते हैं और स्पेशल डायरेक्टर्स भी हुआ करते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट के आपके कंपोजिशन जो मैन स्ट्रेंथ है 31 आपकी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये स्ट्रेंथ पार्लियामेंट लगातार अपडेट करती रहती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट अमेंडमेंट वॉज इन 2009 आई थिंक, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कंपोजिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। सेम चीज़ अगर डिस्ट्रिक्ट जज की बात होती है तो गवर्नर हमारे डिसाइड करते हैं हाई कोर्ट को पूछ कर। तो अब हम बात करेंगे टर्म और टेन्योर की। यहाँ अगेन वही चीज़, नंबर हो गई इंपॉर्टेंट है, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये है कि फर्दर इनको अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं, तो इलेक्शन कमीशन इनको फर्दर अपॉइंटमेंट मिलता है, या यूँ कह लो कि इनको मना नहीं किया गया है कि इनको फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पढ़ेंगे आगे। दीज आर द फ्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सबको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है, एक को छोड़कर, किनको छोड़कर, इनको छोड़कर, AGI और AGS को छोड़कर। बताते हैं क्यों, ये लोग दरअसल गवर्नमेंट के चेले होते हैं, इसलिए इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिलती। तो यहाँ पर टर्म फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनको दिया जाता है। CAG, अब ये द हिंदू का फ्लॉ है, जो आर्टिकल नंबर 148(4) है, द हिंदू ने इसके ऊपर प्राण खा लिए लोगों के। तो हुआ क्या था, जो विनोद राय थे CAG के एक्स चेयरमैन, उनको बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB उसका चेयरमैन बना दिया गया था। तो उस पर बहुत बवाल काटा था राहुल गांधी और उनके दोस्तों ने मिलके छोटा भीम के साथ। तो आप याद करना चाहो तो याद कर लो, ईयर आपको याद करने हो तो कर लो। ये ऐसा है कि 6 ईयर ये इनका टेन्योर होता है और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक रह सकते हैं। UPSC में भी सेम चीज़ है, और फर्दर अपॉइंटमेंट का एलिजिबल नहीं है। यहाँ भी एज है, जब SPSC की बात होती है तो उनका मैक्सिमम एज 65 के बदले 62 ईयर्स हो जाती है। इनको सेकेंड टर्म नहीं मिलती है, लेकिन इनका एक लेवल ऊपर प्रमोशन हो सकता है। मतलब क्या है, UPSC के जो मेंबर्स हैं वो UPSC के चेयरमैन बन सकते हैं, SPSC के जो मेंबर्स हैं SPSC के चेयरमैन या फिर UPSC के मेंबर या UPSC के चेयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम पद पर उनको सेकेंड टर्म नहीं मिलेगी, एक लेवल ऊपर ही मिलेगी प्रमोशन होकर। ठीक है, जब हम टर्म और टेन्योर की बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के लिए, तो प्रेसिडेंट बताएंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, NCST के लिए भी प्रेसिडेंट बताएंगे 3 साल का होता है। SOLM के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बताया है, इवन SOLM का आप कॉलम देखो ऊपर से लेकर नीचे तक खाली है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया, बस लिख दिया है कि हाँ ये एक ऑफिसर होंगे। AGI और AGS मैं बता चुका हूँ, और इनके साथ खास बात क्या है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो कोई बताया ही नहीं है, प्लस ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है। ये अपना जब गवर्नमेंट को काम होता है तो बुला लेते हैं काम पर कि भाई साहब कल से आ जाना दाढ़ी करने, अदरवाइज़ चलते बनो, और ये अपनी प्राइवेट लीगल सर्विसेज भी कर सकते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात इनके ऊपर लागू नहीं होती है, गवर्नमेंट ही इनके लिए सब कुछ है टर्म और टेन्योर बताने में या जो भी कुछ है बताने में। ठीक, NHRC और SHRC इनकी जो है 5 साल और 70 साल फर्दर नहीं मिलेगा। SHRC वालों को एक टर्म ज़्यादा दी जा सकती है, कंडीशन ये है कि 70 साल से कम उनकी एज होनी चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इनका 3 साल है जनरली, ये कन्वेंशन बना हुआ है तो उसे आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। CIC और SIC के लिए 65 ईयर्स 62 ईयर्स है, फर्दर अपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता। जो आपके IC इंफॉर्मेशन कमिश्नर या SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आपके चीफ बन सकते हैं अपनी अपनी जगह पर, मैक्सिमम इन ऑफिस अपने ऑफिस में आप 5 साल रह सकते हो उसके बाद। CVC जब आप बात करोगे, इनका टर्म स्पेशल है 4 साल का, 4 साल और किसी का भी नहीं है, या तो 5 साल है या 6 साल है या 3 साल है, तो इनका 4 साल है, 65 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज है, और कोई फर्दर अपॉइंटमेंट को नहीं होता है। CBI भी अलग केस है, इनको डायरेक्टर को 2 साल का टर्म मिलता है। यहाँ पे जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये टर्म डिफाइन नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट ने एज डिसाइड कर दी है कि हाँ मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए, बस इतना ही डिफाइन किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं हाई कोर्ट के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि 62 ईयर्स है। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कहीं नहीं दिया है, मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो टर्म और टेन्योर के बाद हम पढ़ेंगे सर्विस कंडीशन, यहाँ भी आप वही देखो कि सेम और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है।
तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, ये कंडीशन ये है कि कांट बी वैरिड। अगर इनको एक बार अपॉइंट कर दिया, बता दिया कि आपकी सर्विस कंडीशन ये है, तो वही रहेंगी। और इलेक्शन कमीशन के साथ ये बात है कि ये चीज़ CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लागू होती है। तो जो मैंने आपको बताया था डिबेट है, इनमें डिबेट ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के दो, सॉरी दो दो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको इक्वल पावर्स देने के लिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है। विजन ने पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में भर रखा है, हिंदू ने तो शायद हर चौथे दिन भरा होगा। खैर, यहाँ डिफरेंस आप याद रखोगे कि CAG, यहाँ पर सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं पार्लियामेंट डिफाइन करती है, UPSC में पढ़ लेना। और कांट बी वैरिड, ओके, UPSC SPSC में पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। फाइनेंस कमीशन और SFC, यहाँ पर लिख लेना SFC के लिए सर्विस कंडीशन, आगे भूल गया मैं टाइप करना, गवर्नर है, P/G कर देना इसको। NCSC और NCST, यहाँ पर सर्विस कंडीशन आपकी दोनों के लिए प्रेसिडेंट बताएंगे। SOLM के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। AGI और AGS के लिए गवर्नमेंट ही सब कुछ है, तो अपनी अपनी गवर्नमेंट, स्टेट वाले के लिए स्टेट, सेंटर वाले के लिए सेंटर। जो आपके NHRC और SHRC, उनकी सर्विस कंडीशन सेम चीज़ है, आप डिफरेंस याद रखो। LCI और CIC, ये जो UG है यही पार्लियामेंट है, यही UG है, वो चीज़ें हैं। और जो CVC और CBI है, ये आई थिंक P/G नहीं होना चाहिए, ओनली P, क्योंकि एक ही बॉडी है, तो यहाँ पे G काट देना दोनों जगह से। CBI और CVC पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, इनकी सर्विस कंडीशन बताया करते हैं। जब हम SC और HC की बात करेंगे, सर्विस कंडीशन या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी अपनी जगह पे बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सेम चीज़ जब हम आगे सैलरी की बात करेंगे, तो सैलरी कौन डिफाइन करता है, सैलरी पार्लियामेंट बताएंगी, पार्लियामेंट बताती है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो इन्होंने बता दिया कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होनी चाहिए, चेयरमैन और मेंबर की, सबकी इक्वल पावर्स थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, CAG की भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और ये कितनी होगी, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर। तो एक्चुअल में क्या होगा कि सैलरी डिसाइड की जाएगी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो 90,000 रुपये है तो इनको अपने आप वो मिल जाएगी। तो पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि इनकी सैलरी हम जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर देंगे। अब ये चार्ज्ड ऑन CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो ये चार्ज्ड ऑन दीज टू फंड्स, ये क्या टर्म है, या पार्लियामेंट वाले चैप्टर में या स्टेट वाले चैप्टर, स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ लो, वहाँ क्लियर हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो UPSC और SPSC में चार्ज्ड होती है। और जब हम फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन की, पार्लियामेंट या ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर कर लेना, NCSC और NCST दोनों की पार्लियामेंट होनी चाहिए, कहीं मुझे लिखा मिला तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए। जब हम SOLM की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ भी कुछ नहीं बताया। AGI और AGS तो आपको बता ही चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं है, तो इनकी सैलरी के बारे में तो बात ही क्या करेंगे। फिर जब हम NHRC और SHRC की हम सैलरी के बारे में बात करेंगे, तो UG या फिर SG, सेम और सिमिलर ये चीज़ है। LCI की UG होनी चाहिए, कहीं लिखी नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं, अगर आपको ढूंढना हो तो ढूंढ लो, आई विल नॉट रिकमेंड यू कि भाई ढूंढो ये चीज़। CIC और SIC, इनकी थोड़ी अटपटी होती है, याद करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो मत करो, एटलीस्ट CIC की याद कर लो, इनकी जो सैलरी है CEC के बराबर है। अब CEC की सैलरी किसके बराबर थी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, तो इनकी सैलरी आपने क्या कही कि आप जितनी इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी डिफाइन कर दोगे, उतनी ही आप इनको दोगे। तो पार्लियामेंट उनको डिसाइड करती है कि हाँ उनकी सैलरी हम कितनी करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की, तो इनकी अपने आप फिक्स हो जाएगी। IC, जो सेंटर में अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, या फिर स्टेट का चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी सैलरी इसी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होती है। जो स्टेट के, सॉरी 1 मिनट, जो स्टेट के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर होती है। CVC में चेयरमैन की सैलरी UPSC चेयरमैन के बराबर बता दी है, और मेंबर की सैलरी UPSC मेंबर के बराबर बता दी है, CBI में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे आपकी सैलरी चार्ज्ड है अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड पर, पेंशन भी इसमें इंक्लूड है, ये आप याद रखिएगा। तो सैलरी के बाद हम बात करेंगे रिमूवल और रिज़ाइन की। रिमूवल और रिज़ाइन में आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो अपॉइंट करते हैं वही हटा ही सकते हैं, रिज़ाइन भी ये लोग उन्हीं को करेंगे। बस एक डिफरेंस है, जब हम UPSC और SPSC में बात करेंगे, तो SPSC में रिमूवल की पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो इसमें क्या है, जब हम इलेक्शन कमीशन में पढ़ेंगे, तो जब रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, इसके साथ कुछ चीज़ें लिख दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, CEC जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको रिमूव किया जाएगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के
की तरह जो आपके SEC हैं, वहाँ जो उनके चीफ हैं, उनको हटाया जाएगा स्टेट हाई कोर्ट की तरह। ऑब्लिक वाला पॉइंट याद रखना, शॉर्टकट है, भूल मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। EC और REC, इनको अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो बुक से ये चीज़ें क्लैरिफाई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। बुक से ही मैंने उठाई हैं, कहीं और से जनरली नहीं उठाई हैं। जो आपकी EC और REC है, उनको आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे हटाने के लिए, तो प्रेसिडेंट हटा देंगे, रिज़ाइन वही जिन्होंने अपॉइंट किया था उनको रिज़ाइन कर देंगे। सेम और सिमिलर वाली चीज़ याद रखना, CAG में सेम थिंग, जज लाइक जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब UPSC और SPSC के जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, इनको हटाने का तरीका क्या है? इनको जब हटाया जाता है तो इसमें एक चीज़ देखी जाती है, और कि एक तो ये बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नर नहीं है रिमूवल में, ठीक। तो अब इनको हटाने का एक और तरीका है कि मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर अगर ऐसा केस होता है तो वो केस आपका प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास फॉरवर्ड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी के दौरान सस्पेंड तो उनके बॉस ही करेंगे जिन्होंने जॉब दी थी, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, लेकिन जो फाइनल रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे दोनों केस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होगी, रिज़ाइन अपने अपने बॉस को ही करेंगे, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। अब जो मिसबिहेवियर टर्म है, अब इसका मतलब बदतमीजी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने किसी को छेड़ दिया या रास्ते पे चलते चलते सीटी मार दी, ऐसा नहीं है। मिसबिहेवियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिफ़ाइन की हुई है। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, दो चीज़ों के बारे में बात करता है, या तो आपके उसमें इंटरेस्ट हो या फिर आपका स्टेक हो, ये दो चीज़ें होनी चाहिए कहाँ पर, या तो गवर्नमेंट की चीज़ों में या फिर किसी कंपनी की चीज़ों में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, और सेम चीज़ है आपकी कंपनी, तो आप मिसबिहेवियर हुआ आपका। ऐसा नहीं कि आपने रास्ते में चलते चलते सीटी मार दी, मतलब आप सीटी मार सकते हो, यू आर फ्री, लड़कियां भी मार सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, रिमूवल और रिज़ाइन में आप ऑब्लिक ऑब्लिक में गवर्नर लिख लेना दोनों में, NCSC NCST दोनों आपका प्रेसिडेंट हैं। SOLM के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बताया नहीं है, रिज़ाइन प्रेसिडेंट को ही करना चाहिए, कहीं लिखा मिला तो नहीं, लेकिन माई सिक्स सेंस सेज दिस थिंग ऑल। AGI और AGS की जब हम बात करेंगे तो वो अपने अपने बॉसेस को हटाते हैं, और इनके साथ कंडीशन क्या है, जितनी बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, लेकिन इनको क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहें या जब तक गवर्नर चाहें, ये लोग तब तक अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। और इनके साथ बड़ी बात क्या थी, मैं आपको बता चुका था कि गवर्नर, गवर्नमेंट इज़ एवरीथिंग फॉर देम, तो जैसे ही गवर्नमेंट जाती है ये लोग रिज़ाइन भी करके निकल लेते हैं, चलो भाई पतली गली से। तो आगे जब हम रिमूवल रिज़ाइन की बात करेंगे NHRC और SHRC के लिए, तो यहाँ पे रिमूवल तो लिखा हुआ है कहीं कहीं, रिज़ाइन नहीं लिखा कि, लेकिन अगर रिज़ाइन का पूछ ही ले एग्ज़ाम में तो बॉस लिखना सीधे, जिसने अपॉइंट किया था उसी को रिज़ाइन दे के आते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ दी हुई है NHRC SHRC के लिए, कंडीशन कुछ दी हुई है, तीन चार पढ़नी हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट वेटेज वाली बात फिर आ जाती है, प्लस मिसबिहेवियर जो अभी आपको मैं बता चुका हूँ उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। CIC और SIC में भी देख लो कुछ कंडीशन है, और मिसबिहेवियर वाली बात है, CVC में भी लगभग सेम चीज़ें कुछ कंडीशंस हैं और मिसबिहेवियर वाली बात भी है। जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे, अब मैंने एक चीज़ ब्लैंक छोड़ दी है, यह आपका छोटा सा असाइनमेंट है कि ढूंढो कि ये लोग किसको रिज़ाइन करते हैं। बहुत सिंपल है, कई बार आंसर दे चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन का आपको, इसी PPT में, नहीं मिले तो बुक में ढूंढ लो। रिमूवल इनका होता है प्रेसिडेंट, तो उसके लिए क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए करना है तो 100 लोग आपके पार्लियामेंट में प्रपोज करेंगे, हाई कोर्ट के लिए वो स्ट्रेंथ 50 हो जाती है, 2/3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पीकर आपकी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर CJI के अगेंस्ट है तो CJI खुद तो नहीं होंगे, तो उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज, अदरवाइज़ अगर CJI नहीं है तो खुद वो भी उस कमेटी में शामिल होंगे, इन दोनों में से एक होगा, मतलब खुद नहीं होंगे अपने अगेंस्ट, प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट का होगा, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना उसमें आवश्यक है, रिज़ाइन वाला काम आप खुद करोगे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये इस 1.1 है, ये पेज नंबर यहाँ राइट साइड में बॉटम में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी तक इन सब के आर्टिकल पार्ट, अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, टर्म, टेन्योर और ये सब चीज़ें पढ़ ली। कहीं कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रॉम बुक, डोंट आस्क मी अगेन। कमेंट सेक्शन में जो पूछना होता है वो आप लोग पूछते नहीं हो, फालतू चीज़ें पूछते रहते हो। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आगे, लोकपाल के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ते हैं अभी
कि क्वालिफिकेशन इनके लिए क्या है। इलेक्शन कमीशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई, सीएजी का कुछ अता पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बुक में नहीं लिखा, आपको मिल जाए तो लिख लेना, मुझे तो नहीं मिला। यूपीएससी और एसपीएससी के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा है कि जो आपके 50% मेम्बर हैं उनमें से उनको मिनिमम 10 साल का गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन वाली बात है। फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए क्वालिफिकेशन ने बिल्कुल बता दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे, सेम और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना। तो इन्होंने डिसाइड किया, कैसे किया, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, लेकिन अभी आपकी स्टैचुटरी बॉडी नहीं हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही रहेगी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि आप लोग डिसाइड करो, तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया, फाइनेंस एक्ट 1951। तो इन्होंने क्या बताया क्वालिफिकेशन में, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जो चेयरमैन है, सी चेयरमैन, तो उनको पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मेंबर एम वो हैं, वो या तो जज ऑफ हाई कोर्ट हों या फिर एलिजिबल हों उसके लिए, या उनको स्पेशल नॉलेज हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। एनसीएससी और एनसीएसटी के लिए क्वालिफिकेशन कुछ लिखी नहीं है, एसओएलएम के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो क्वालिफिकेशन भी नहीं लिखी है। एजीआई और एजीएस दे आर लॉयर्स, वकील लोग होते हैं, तो वकील होने चाहिए, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इनके लिए जजेज ऑफ हाई कोर्ट, सेम और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। एनएचआरसी के लिए क्वालिफिकेशन एक्ट में बता दी है, कुछ लिखी होगी, आई डोंट नो, आई इवन डोंट वॉन्ट टू नो। एलसीआई, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइमरीली लीगल एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं। अभी लॉ कमीशन है विधि आयोग, तो विधि के जो एक्सपर्ट होंगे, लीगल एक्सपर्ट वही होंगे। जब हम सीआईसी और एसआईसी की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन के एमिनेंट लोग होने चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए। सीबीसी के लिए उनका 1964 का एक्ट है, उन्होंने बता दिया। सीबीआई के लिए किसी ने नहीं बताई है। यहाँ क्वालिफिकेशन वाली बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाँ ये चीज़ याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए, हाई कोर्ट के लिए भी, दैट इज़ ट्रू। दूसरी चीज़ जहाँ डिफरेंस आता है, जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल के लिए होनी चाहिए। हाई कोर्ट में क्या है, एनी जुडिशरी, एनी टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसा होगा कि जज ऑफ एनी जुडिशरी, एनी जुडिशल बॉडी इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स उनको होना चाहिए, या फिर एडवोकेट इन हाई कोर्ट 10 ईयर्स होने चाहिए, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। सॉरी आई डिड मिस्टेक, जो पॉइंट नंबर टू है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए वैलिड जो इसका तीसरा पॉइंट है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आएगा। डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बताई है। एडवोकेट के लिए बताई है कि आप 7 साल के लिए एडवोकेट रहे हों, और तीसरी चीज़ है कि रिकमेंडेड बाई हाई कोर्ट, ये चीज़ रहेगी। और अदर्स जो बाकी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो छोटे मोटे जजेस और हैं, उनके लिए तो इवन जुडिशल एग्ज़ाम होता है, एसपीएससी हेल्ड कराती है, और हाई कोर्ट उसमें बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे कराओ। तो अब हम फंक्शंस देखेंगे कि व्हाट टू डू। सिंपल बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी, उनके फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताए होंगे। जो फंक्शन है, बढ़ाने का काम कौन करता है, घटाने का काम करता है, बस ये डिफरेंस देख लो। ईसी और एससीसी में प्रेसिडेंट या गवर्नर करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। सीएजी प्रेसिडेंट इंक्रीज़ करते हैं आपके यूजी और एसजी के लिए, दोनों के लिए। और प्रेसिडेंट या गवर्नर डिपेंड करता है, जो जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताते हैं, लोकल बॉडी के लिए ये लोग फंक्शन बताते हैं। यूपीएससी और एसपीएससी, फंक्शन इंक्रीज़ करेगी पार्लियामेंट, यहाँ ये डिफरेंस है, यहाँ डिक्रीज़ करने का काम प्रेसिडेंट और गवर्नर करेंगे, बाकी कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे ही हुए हैं। फिर हम फाइनेंस कमीशन पे आते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है, एनसीएससी एनसीएसटी में भी वही चीज़ है, एसओएलएम और इन सब में भी वही चीज़ है। और यहाँ पे आपका फंक्शन और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। इनके फंक्शंस आई थिंक एक्ट में ही लिखे होंगे, कि एक्ट में बता दिया गया होगा किसने कौन करेगा, एक्ट में ही बताया होगा किसी का कि अगर प्रेसिडेंट कर बताएंगे तो क्या होगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फंक्शन तो बहुत बड़े हैं, चैप्टर में पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को, पूरा पार्ट है सिलेबस में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने उसे यहाँ कवर नहीं किया है। तो हम आगे, हाँ कुछ चीज़ें कवर ये किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शन हैं उन्हें पार्लियामेंट इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन डिक्रीज़ नहीं कर सकती। एक बार इंक्रीज़ कर दिए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे है वो पार्लियामेंट डिक्रीज़ नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के साथ क्या है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बढ़ा सकते हैं, कौन से विच आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको आप नहीं घटा सकते, अदरवाइज़ आप उनको घटा सकते हैं, इवन स्टेट लेजिस्लेचर भी घटा सकती है। तो चलो अब इनकी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
छोटी सी चीज़ें याद कर लो, नॉर्मली प्रेसिडेंट को देते हैं, तो रिपोर्ट किसको देनी है? हाँ यहाँ थे, ईसी या एसीसी, इनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, किसी को नहीं देते हैं, ये चीज़ आप याद रखोगे। आपको याद रखना है पहली बॉडी का नाम, बाकी आपको याद रखना हो तो रखो, मत रखना हो तो मत रखो। रिपोर्ट ऐसे है कि जो प्रेसिडेंट को, सीएजी सेंटर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को देती है, पार्लियामेंट वो रिपोर्ट पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दिया करती है। आपको याद रखना जो इम्पोर्टेंट है वो पहली चीज़ याद रखनी कि रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। सीएजी स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को देती है, गवर्नर आपको स्टेट लेजिस्लेचर में देंगे। जब ये रिपोर्ट देते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि आपने ये काम नहीं किया, स्टेट लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है कि हाँ हमने आपकी रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं मानी, तो उसके लिए एक मेमोरेंडम देना पड़ता है कि हाँ ये रीज़न था इसलिए हमने आपकी बात नहीं मानी। खैर वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब यूपीएससी और एसपीएससी की बात करोगे तो प्रेसिडेंट आपकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास फॉरवर्ड करेगा, ये लोग अपनी अपनी रिपोर्ट अपने अपने बॉस को दे देंगे, यूपीएससी वाले प्रेसिडेंट को, एसपीएससी वाले गवर्नर को, और वो अपने अपने लेजिस्लेचर में फॉरवर्ड कर देंगे। सेम थिंग्स आपके फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन में भी वैलिड है, सेम थिंग्स आपकी एनसीएससी और एनसीएसटी में भी वैलिड है। दोनों के साथ खास बात क्या है कि प्रेसिडेंट ही अभी तक क्या होता था कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को फॉरवर्ड करता है और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को, लेकिन इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट ही दोनों को फॉरवर्ड करेगा। जो आपकी स्टेट से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई इश्यूज होंगे उनको प्रेसिडेंट खुद ही स्टेट लेजिस्लेचर के पास फॉरवर्ड करेंगे। अब जो SOLM है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, AGI और AGS, अगेन बता चुका हूँ प्रेसिडेंट से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ नहीं देंगे। जब मन आया तो ये थोड़ा सा काम किया, चलते बने। यहाँ पे देखो NHRC SHRC, इनके पास डिफरेंस है, प्रेसिडेंट नहीं है, ये रिपोर्ट अपनी UG। अगर SG का कोई इशू है, सेंटर, कोई सेंटर का मैटर है उसमें स्टेट का भी इशू है, तो उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे, अदरवाइज़ वो रिपोर्ट सीधे UG को दे देंगे। जब SHRC की बात आती है तो वो रिपोर्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया UG को देंगे। अब UG का मतलब क्या है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये चीज़ आपकी, ये मिनिस्ट्री आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को गवर्न करती है। तो जब आप कहते हो कि हम गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देते हैं, गवर्नमेंट ये काम करती है, तो असल गवर्नमेंट में कौन करता है? गवर्नमेंट में उस चीज़ से जुड़ी मिनिस्ट्री काम करती है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। CIC और SIC, यहाँ पे सेम एंड सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट फिर है, UG और SG। अब CVC, ये इकलौती ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, बाकी आप देखो कि गवर्नमेंट को दे रहे हैं, चाहे वो NHRC, SHRC, LCI, CIC, SIC। CIC तो CBI तो दे ही नहीं रहा है, तो CVC की आपको रिपोर्ट याद करने की, प्रेसिडेंट को देते हैं। आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिपोर्ट ये क्या देंगे, ये तो लोगों की रिपोर्ट बनवा लेते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल ओवररीच और पता नहीं क्या क्या। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शन है, सॉरी जो अदर चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, और अब क्या क्या चीज़ें रह गई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं पूरे चैप्टर में, वो मैंने लिस्ट बना दी सब में अदर्स में। तो ये क्वाजी जुडिशल बॉडी है, आगे हम पढ़ते हैं अभी क्वाजी जुडिशल बॉडी क्या होता है। ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी नेशनल बॉडी है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए आपकी इलेक्शन यही लोग कराया करते हैं। अब जो आप कहोगे जब ये नेशनल बॉडी है तो फिर ये स्टेट वाली बॉडी का क्या काम है, तो ये आपकी 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, और ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए इलेक्शन कराया करते हैं, काम ख़त्म। इलेक्शन कमीशन के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि जो 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 का, उन्होंने वोटिंग एज 21 से 18 कर दी। तो उसके पहले ऐसा भी होता था कि जो आपके इलेक्शन कमीशन था सिंगल मेंबर बॉडी थी, तो उस टाइम पे काम अचानक से बढ़ा तो ये मल्टी मेंबर बॉडी कर दी गई, फिर कभी घटाई कभी बढ़ाई, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मल्टी मेंबर बॉडी है। चौथी चीज़ क्या है, इनके फंक्शन देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, एडवाइजरी होते हैं, क्वाजी जुडिशल, क्वाजी जुडिशल हम आगे पढ़ेंगे, बाकी दो चीज़ें इतनी टफ नहीं, आप समझ जाओगे नाम सुन के ही। फिर इनके कुछ फ्लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आखिर कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन वाले भूल गए लिखते हुए, पता नहीं जानबूझ के भूले या ऐसे ही भूल गए। भूले ये कि इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, अभी हमने ऊपर देखो सबसे ऊपर लिखा है नो नॉट बाई CY, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। टर्म्स ऑफ मेंबर्स वो भी नहीं बताया, हमने पीछे पढ़ा था।
और ये लोग डिबार नहीं किए गए हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। देखो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, वहाँ पर ये लिखी हुई है, देखो यहाँ पढ़ो, टर्म और टेन्योर, फर्दर अपॉइंटमेंट में यस, मैं आपको बताया था नो नहीं लिखा है। ठीक है, सी ए जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सी ए जी के फंक्शन हैं, वेर इज़ इट, हाँ जो सी ए जी के फंक्शन हैं, अदर फंक्शन, ये स्टार मैंने लगाया हुआ, तो स्टार मेरा पहली टेबल से जो लास्ट कॉलम चला आ रहा था वो यही था। तो सी ए जी के हम फंक्शन यहाँ पढ़ते हैं लास्ट कॉलम में। पहली चीज़, सी ए जी हमारा हेड ऑफ ऑफिस ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, जो ऑफिस ऑफ इंडियन ऑडिट और अकाउंट है उनके ये हेड होते हैं साहब। बुलवर्क, कुछ चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारी गवर्नमेंट के, इवन इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी और यूपीएससी। इनके बिना आपका संविधान अधूरा है, इनके बिना आपकी गवर्नमेंट अधूरी है, इनके बिना आपकी कंट्री अधूरी है। दोज आर द बुलवर्क्स ऑफ इंडिया। तो सी ए जी के साथ एक और चीज़ है, आर्टिकल 149 इनकी बताता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स। तो इनका ड्यूटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, ईयर और एक्ट मत याद रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके लिए आपने अकाउंट्स को ऑडिट से अलग कर दिया है, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है अभी भी दोनों एक ही चीज़ हैं, अकाउंट्स और ऑडिट दोनों सी ए जी के हाथ में ही हैं। 1976 ने यूजी के लिए मना कर दिया था, ये अकाउंट भी रखते हैं, यूजी का अकाउंट नहीं रखते, यूजी का सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करते हैं, ऑडिटिंग बॉडी। ऑडिट मतलब होता है कि मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए, तो आप बताओ, आप पूछोगे कि 5 रुपये कहाँ खर्च किए, तो मैं बताऊँगा कि हाँ 1 रुपये की टॉफ़ी खा ली, 5 रुपये की ये कर लिया, तो उसमें मुझे 1 रुपये की ज़रूरत पड़ी थी तो यहाँ से जुगाड़ लिए और ये सब कर लिया, ऑडिट हुआ ये। फिर इनके साथ अगली चीज़ क्या है, ये 3 रिपोर्ट बनाते हैं। पहली रिपोर्ट इनकी अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर होती है, ये टर्म्स सब आप पॉलिटी में पढ़ते रहोगे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में सब मिल जाएंगी। फाइनेंस अकाउंट और पीएसयू के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं, और ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्रॉपर्टी ऑडिट है वो इनकी मर्जी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, सी ए जी के और पावर पढ़ेंगे आगे, ये टेबल पूरी एक ही पेज में आप प्रिंट करोगे तो आपको आसानी से इस चीज़ को आप पढ़ लोगे। तो सी ए जी के और पावर क्या हैं, सी ए जी के पावर्स हैं ए आर सी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, फर्स्ट ए आर सी 1968 में बना था, तो उन्होंने ऑडिट बोर्ड आपका बना के दिया था, सी ए जी उसे अपॉइंट करता है और ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें करते हैं। जब हम कंट्रोलर की बात करते हैं, अब इंडिया में एक चीज़ है, मैंने आपको बताया ऑडिट, यहाँ सिर्फ खर्चा आपने कैसे किया उस चीज़ की जानकारी उनको होती है, उसी चीज़ में देख सकते हैं कि गड़बड़ हुई या नहीं हुई। 2G और 3G इनमें से किसी एक स्कैम को सी ए जी ने बाहर किया था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन खर्चा कितना करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें मिनिस्ट्रीज़ या बजट के द्वारा डिसाइड होती है, यहाँ पे सी ए जी का कोई रोल नहीं होता। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में वो कंट्रोलर भी है, इंडिया में ही इज़ ओनली ऑडिटर। तो ये इनका क्रिटिसिज्म भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अभी हमने पढ़ा ये बुलवर्क में से एक है, और यहाँ पे तो ये सिर्फ ऑडिटर का काम कर रहे हैं। कंट्रोलर ब्रिटेन में क्यों है कि वो काउंटर साइन भी किया करते हैं। अब जरा ये देख लें ऑडिट कैसे करते हैं, ये डायरेक्ट ऑडिट कर सकते हैं, जैसे डी वी सी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ओ एन जी सी या एयर इंडिया, जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनका डायरेक्ट ऑडिट कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट प्रोफेशनल के द्वारा कर सकते हैं। उसमें यू जी, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सी ओ जी को पूछेगी, ऐसे में किन किन चीज़ों के करते हैं, सी डब्ल्यू सी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन है आई थिंक ये, आई एफ सी, इनको कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ भी इसमें शामिल हैं, और सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पे सी ए जी का कोई रोल नहीं है, वो चीज़ें क्या हैं, प्राइवेट, जो आपके प्राइवेट ऑडिटर्स हैं वो करेंगे और पार्लियामेंट को सीधे रिपोर्ट देंगे, सी ए जी का कोई रोल आता ही नहीं है। जैसे एल आई सी, आर बी आई, राजन भाई वाली आर बी आई, और एस बी आई और एफ सी आई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों में आपका प्राइवेट ऑडिटिंग होती है। 10वीं चीज़ सी ए जी के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि पी ए सी, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, इसका पैक का ये फिलोसफर, गाइड, फ्रेंड, एवरीथिंग ये होता है। और एक और चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, नेट प्रोसीड्स, अब टैक्स में पढ़ लेना, जो आपका टैक्स इनकम हुई है और आपने टैक्स कलेक्ट करने में जो खर्चा किया है
उनके डिफरेंस को नेट प्रोसीड कहते हैं। कि आपने 100 रुपये टैक्स हासिल किया है, उसके लिए 10 रुपये खर्चे गए तो 90 रुपये, तो नेट प्रोसीड को ये लोग सर्टिफाई करेंगे। तो इस बीच में हमारा एक टॉपिक और रह गया था पीछे, उसको भी कवर कर लेते, लोकपाल को। लोकपाल के लिए सब कुछ अदर्स में ही है। तो लोकपाल इंडिया में कैसे आया था? फर्स्ट ARC की रिकमेंडेशन से। क्वालिफिकेशन उनकी बताई थी। जो इनके टाइप हैं, तीन तरह के हुआ करते हैं। पहला है ओम्बड्समैन, हिंदी इनकी मुझे याद नहीं है, नेट पर सर्च कर लेना, मिल जाएगी, गूगल ट्रांसलेट इज़ देयर। तो पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन सिस्टम भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अपॉइंट करती है। सबसे पहले फिनलैंड में आया था 1919 में। न्यूजीलैंड पहला कॉमनवेल्थ नेशन था इस लाने वाला 1962 में। इंडिया में यही सिस्टम चलता है, जो भी चलता है घिसा पिटा, यही सिस्टम चलता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये चलती है, ये फ्रांस EU ऐसे एडवांस्ड नेशंस में चलता है। तीसरा आपका प्रोक्यूरेटर सिस्टम चलता है, ये मीनिंग देख लेना तीनों चीज़ों की क्या होती है। तो प्रोक्यूरेटर सिस्टम आपका USSR, जो आपका फॉर्मर रशिया था, चाइना, जो मेनली आपके सोशलिस्ट नेशंस हैं वो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो लोकपाल में आई थिंक और कुछ बचा नहीं, आई विल चेक अगेन। हाँ, लोकपाल में कुछ नहीं बचा, हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अदर्स ऑफ, हमने अभी देखा था इलेक्शन कमीशन का देख लिया, CAG का देख लिया, लोकपाल पूरा देख लिया। अब UPSC और SPSC के बारे में हम बात करेंगे। जब हम एडवाइजरी रोल की बात करते हैं कि UPSC और SPSC इनका रोल सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। कि जब एडवाइज ही देनी थी तो आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्यों बनाया? ये सब इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो लोग दिया करते हैं। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, अब ध्यान रखोगे आप, ये रिक्रूटिंग एजेंसी है तो जो इनकी लिमिटेशन है वो भी यहीं से आती है। जैसे OBC और SC ST के रिजर्वेशन या उनके क्लेम्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताएगा। रिक्रूट कैसे करना है वो कैसे करना है नहीं बताएगा, कितने करना है वो आप हमसे करवा लो, एग्ज़ाम लेना है हम दिलवा देंगे, ये सब चीज़ें कौन बताता है? बाकी की DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। UPSC और SPSC आए कहाँ से थे? 1919 के एक्ट से आए थे। उन्होंने सेंट्रल PSC बनाई थी 1935 में, फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट PSC आए थे। आज हम अपने यहाँ स्टेट्स को स्टेट्स बोलते हैं, उस टाइम पे प्रोविंशियल प्रोविंसेस बोलते थे। फेडरल सिस्टम तब था, आज यूनियन है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं ये सब चीज़ें आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, आपको शायद पता भी होंगे, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो आपके जॉइंट PSC है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं होंगी, पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 2 स्टेट गवर्नमेंट आपकी अप्लाई करें कि भाई हमसे नहीं हो रहा, आप हमारे लिए एक जॉइंट PSC बना के दो। शायद ये चीज़ पंजाब और हरियाणा में है, अब है कि नहीं पता कर लो, बुक में शायद लिखा हो, नेट पे सर्च कर लो। तो इसकी सारी पावर्स हैं UPSC के सिमिलर होती हैं, इवन अपॉइंटमेंट, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग। जो डिफरेंस होता है कि रिपोर्ट, ये गवर्नर प्लस गवर्नर, मतलब जिन 2 स्टेट्स के गवर्नर होंगे उनको ये रिपोर्ट दिया करते हैं, और इनका जो टेन्योर वाला सिस्टम है वो आपका स्टेट वाले की SPSC की तरह है। अब UPSC स्टेट के लिए काम करे, अब एक स्टेट की बात है, जैसे UP वाले गवर्नर ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं हो पा रहा है, हम MP से, हम किसी दूसरे स्टेट से हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे, तो गवर्नर पूछेगा कि आप करके दे दोगे? प्रेसिडेंट कह देगा हाँ जी, ठीक है, तो UPSC को फिर काम करना पड़ेगा। अब SPSC की रिकमेंडेशन है, ये गवर्नर को रिकमेंड करती है, अभी हमने देख लिया था डिस्ट्रिक्ट वाले में जुडिशल सर्विसेज के लिए SPSC गवर्नर को रिकमेंड करती है। CAG की पूरी पावर्स हम देख चुके हैं। तो आगे हम लोग फाइनेंस कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में इनकी पढ़ते हैं। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, सिविल कोर्ट की पावर है, एडवाइजरी रोल है, इनके फंक्शन क्या होते हैं मृणाल पटेल ने बेटर पढ़ाए हैं, मैं इनको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 281 में ये चीज़ लिखी हुई है। किन किन चीज़ों पर? टैक्स डिवॉल्यूशन, नेट प्रोसीड्स के बारे में पढ़ो, ये इकोनॉमी की टर्म है, समझ जाओ। टैक्स डिवॉल्यूशन ये होता है कि सेंटर और स्टेट में आपका टैक्स कितना बांटा जाएगा। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा है 42% होगा, इस पर काफ़ी बवाल चल रहा है। 14th फाइनेंस कमीशन मृणाल साहब ने बहुत अच्छे से, G4P7 आई थिंक वो लेक्चर है, देख लेना, उनकी 2015 की लेक्चर सीरीज़, उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो फाइनेंस कमीशन पूरा आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ GIA, जो ग्रांट इन एड है फ्रॉम, इट इज़ नॉट GFI, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो आपका ग्रांट इन एड देनी है, आर्टिकल 275, वो भी आपका फाइनेंस कमीशन बताएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बता देगा
ये जो ग्रांट इन एड है वो आपकी पंचायत या म्यूनिसिपालिटी को कैसे देनी है। फिर इनका तीसरा काम है मेजर्स टू सॉरी ऑगमेंट CFS कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उसको ऑगमेंट कैसे करना है, कैसे उसमें बढ़ोतरी हो, कैसे बढ़े। और चौथी चीज़ कोई और मैटर जो प्रेसिडेंट बता दे फॉर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ दी स्टेट और नेशन उनके लिए। इसके साथ इनकी एक और चीज़ थी कि 1960 तक जूट के एक्सपोर्ट को लेके इनको कुछ पावर्स दी गई थी कि उसके बारे में आप डिसीजन दोगे, वो भी मृणाल साहब ने बताया। ए असम, बी बिहार, बी बंगाल, ओ उड़ीसा। ABBO याद रख लो, हो जाएगा ठीक है। तो हम NCSC और NCST की बात करें, ये भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है ना। अब सिविल कोर्ट की पावर क्या है, बहुत सिंपल पावर्स हैं, चाहे तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो या नेट पर सर्च कर लो, ज़रूरत भी नहीं है। सिविल कोर्ट की पावर्स जो छोटी मोटी पावर होती हैं, आई थिंक इसमें पेनल्टी की पावर शामिल नहीं होगी, बाकी सब पावर्स होंगी। आप समन कर सकते हो, आप रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो, आप दूसरे को गवाही दिला सकते हो, बहुत सी चीज़ें करवा सकते हो, लेबोरेटरी में चेकअप करवा सकते हो, ये सब सिविल कोड की पावर आती हैं। ये आपके 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये काट देना, ये ज़रूरत नहीं है, पुराना एक्ट था, अब तो 89th हो चुका है। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा था कि जो NCSC है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए है नेशनल कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके पास आएगा, और जो NCST है उसके लिए नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड इन 1999, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इनको दे दी गई थी। आर्टिकल 338 स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस इनके बारे में है। तो ये बताता है कि जो पेशा पंचायत जो है उसका एक्सटेंशन एक्ट, आई फॉरगेट द फुल फॉर्म, मुझे कभी याद ही नहीं हुआ आज तक पेशा की फुल फॉर्म, तो ठीक है पंचायत में आप पढ़ोगे, तो NCST को इन्होंने दे दी है ये पावर कि पंचायत एक्सटेंशन टू स्पेशल एरियाज पेशा, ठीक है आई थिंक इट इज़ करेक्ट। वो कैसे होगा उन स्पेशल एरियाज में, मतलब 5th और 6th शेड्यूल वाले जो एरियाज हैं NCST बताएगा। ऑल आर स्टेचुटरी, इनके अलावा जो ये बॉडीज़ हैं NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटीज़, OBC, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड, पहले नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड को छोड़ के बाकी सब आपकी 1993 में बनी हुई हैं ठीक है। SOLM की बात करें, ये नोडल ऑफिसर है, UG या SG इनको बनाया करती है। इनका विजन और मिशन इनके 47th रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मत रटो कोई जरूरत नहीं है। रिकमेंडेशन बाई स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन इन 1953, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 या 3 में, टाइम मिला तो मैं ही पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी पार्ट है या और भी किसी ऑप्शनल में हो सकता है। चलो AGI और AGS के बारे में बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ ये लॉयर ऑफ गवर्नमेंट है। तो इनका काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस दिया करते हैं स्पेशल मैटर्स में, कोर्ट में, ये सब चीज़ें ठीक। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, जब गवर्नमेंट के पास काम होता है तो बुला लेते हैं, बाकी चलते बनो। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई रेफरेंस देता है तो वहाँ पे AGI आपके बताएंगे उस बारे में ठीक। ये पॉइंट नंबर 4 है, ये आपके एज अ डायरेक्टर काम करते हैं, गवर्नमेंट को पूछ कर कर सकते हैं, जो आपको बताया था कि आप अपना काम करो, लेकिन ऐसे ही नहीं मन मर्जी से नहीं करो, गवर्नमेंट को आपको पूछना पड़ेगा। एक और चीज़ आप पढ़ोगे चैप्टर में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये AGI को हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ठीक है। NHRC और SHRC के अदर्स जो बाकी चीज़ें हैं, NHRC और SHRC ये सब रिकमेंडिंग बॉडीज़ हैं, अभी ये इनकी क्रिटिसिज्म भी होते हैं, जब रिकमेंडिंग बॉडी हैं करनी आपको अपने मन की, तो फिर क्यों इनको क्रिएट कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं रेगुलेटरी स्प्रॉल, फैलाव, विनियामक फैलाव। तो आर्म फोर्स के लिए इनकी लिमिटेड सिविल कोड की पावर है, और कोई मॉनिटरी रिलीफ ये केसेस में नहीं दिया करते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके लिए मैंने आपको बताया था लॉर्ड मैकॉले वाला कॉन्सेप्ट, याद कर लो कि 1833 में, नॉट 1933, 1833 का जो एक्ट था उससे बनाया गया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। CIC और SIC आपको बता दिया, RTI एक्ट 2005, GS4 का पार्ट भी है तो वहाँ पढ़ोगे। CVC में ऐसा कुछ मुझे स्पेशल मिला नहीं याद रखने लायक, आपको रखना हो तो रख लो, अगेन आई विल टेल यू जितना मैंने इस टेबल में पढ़ा दिया इट इज़ मोर देन एनफ, आपको जस्ट सेम और सिमिलर याद रखना है, बाकी कॉस्ट वेटेज के ऊपर है, आपकी मर्जी है। इसके बाद अगर आपको टाइम बच जाए, हिम्मत बच जाए टेस्ट सीरीज देने के बाद, तो आप पढ़ना।
चलो सीबीआई में और बात कर लें, ये नॉन स्टेचुटरी है, पावर आपको बता ही चुका हूँ, डीएसपी एक्ट से है, डीओपीटी के साथ ये काम करता है। और ये कैसे काम करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें याद रखने की, कि ये आपके हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनकी रिक्वेस्ट पे काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मोदी जी चाहें खुद तो सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठा सकते। अब ये फैक्ट है, जहाँ लोग हिंदू वाले या ये सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को गालियाँ देते फिरते हैं, फैक्ट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये काम आप करो। सॉरी, जो इंटरपोल है उसका हाई कोर्ट हेड क्वार्टर जो है आपका सीबीआई की ब्रांच में हुआ करता है। इनकी जो पावर्स हैं कंकरेंट विद स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जो एसपीई है वो जनरली यूजी के केसेस देखा करती हैं, सीबीआई आपके एसजी के केसेस देखा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ तो आपको अदर चीज़ें पूरी लक्ष्मीकांत से पढ़नी है। तो आई थिंक दिस चैप्टर मस्ट बी फिनिश्ड, ये इतने सारे चैप्टर, तो एक बार चेक कर लो कि आप जब पढ़ोगे। मैं इसका पूरा पेज, फ़िलहाल वेबसाइट नहीं है तो मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से पढ़ लो। कहीं कन्फ्यूज़न हो डोंट आस्क मी अगेन, उस कन्फ्यूज़न को लक्ष्मीकांत से दूर कर लो। तो आप आर्टिकल पार्ट अपॉइंटमेंट कंपोजिशन टर्म टेन्योर सर्विस कंडीशन सैलरी रिमूवल रिज़ाइन ये चीज़ आप याद रखोगे, ये सब चीज़ें इनके लिए भी, ये नीचे पेज नंबर पड़ा हुआ है 2.1 3.1 उसी के पार्ट है। इनके लिए आप आर्टिकल कोई नहीं है तो एक्ट याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यहाँ मैंने कंपेयर किया हुआ है, ये टेबल भी आप यहाँ बना लोगे। कुछ नहीं, सीधे प्रिंट आउट लो, काम ख़त्म करो, 4 पेज होंगे टोटल। लोकपाल मैं आपको बता ही दिया है, हिंदी वाले इनका ट्रांसलेट ढूंढ लो, फिर बाकी सब मैं आपका क्वालिफिकेशन फंक्शंस व्हाट टू डू सबमिट किसको रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं और अदर जो कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा मैं फिर आपको बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। हाँ, बुक रीडिंग आप चाहो तो एक बार दे सकते हो, बस बुक रीडिंग कहानी की तरह पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में ज़रा जान लें क्या होता है। अर्ध न्यायिक निकाय, अब यहाँ से हिंदी मीडियम वालों के 2 अलग अलग लेक्चर शुरू हो जाएंगे, ये लेक्चर इसी वीडियो में चलता रहेगा, इसके बाद में 2 अलग अलग वीडियो, जैसे पूरी गाइडेंस सीरीज अपलोड की है, सेम वीडियो इंग्लिश वाले के लिए सेम वीडियो हिंदी वालों के लिए अपलोड करूँगा। तो इसे आप देख लो कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये एक आर्बिट्रेटर मध्यस्थ या फिर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल होता है न्यायाधिकरण, इस तरह की एक एंटिटी होती है। इसके पास पावर्स प्रोसीजर और डिसीजन एक कोर्ट ऑफ लॉ की तरह होते हैं, उस टाइप की एक अदालत है। और ये क्या कर सकती है, रेमेडी दे सकती है किसी सिचुएशन में, लीगल पेनल्टी लगा सकती है और भी बहुत सारे काम कर सकती है। अर्ध न्यायिक आयोग मतलब ये आयोग भी नहीं है और न्यायालय भी नहीं है, इट इज़ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, सेमी जुडिशियल बॉडी। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, NHRC, SHRC, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और भी बहुत सारे हैं, याद करने तो कर लो, पीछे पूरी टेबल में दिए थे। तो ये आपका एक टॉपिक ख़त्म है इसका, तो हम आगे और पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स हैं लक्ष्मीकांत के 4th एडिशन के चैप्टर 60, 5th एडिशन के चैप्टर 63 में। ट्रिब्यूनल्स को हिंदी में न्यायाधिकरण या अधिकरण कहते हैं। तो इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी है पूरे चैप्टर में वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, बाकी आपको पढ़ना हो तो आपकी मर्जी, सर खपाओ अपना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है 1976 के, याद कैसे रखोगे, 4 और 2 6, 4 प्लस 2 1976, 44th 1978 में आया था, 4 प्लस 4, तो इस तरह की कुछ इन्हें नेमोनिक्स कहते हैं, तो आपकी मर्जी जो भी बनाओ, ठीक। तो इसने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने एक नया पार्ट जोड़ा, पार्ट 14A, उसका नाम रखा ट्रिब्यूनल। उसने जोड़े दो आर्टिकल, दो अनुच्छेद, आर्टिकल 323A एंड 323B। तो अब इनमें क्या है ये देखो, जो आर्टिकल 323A है ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी कि प्रशासनिक अधिकरण। तो पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू इस्टेब्लिश दैम, पार्लियामेंट इनको बनाती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उनको देखते हैं पब्लिक सर्विस डिस्प्यूट्स के लिए। ओनली वन फॉर सेंटर, सेंटर में भी एक है और एक स्टेट के लिए एक है, तो इसमें हायरार्की या वरीयता का कोई सवाल नहीं है, झगड़े की कोई बात नहीं है। और एक टेबल है, फिर से उसी टाइप की टेबल है, याद कर लो, CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, SAT स्टेट के लिए, JAT ज्वाइंट, लगभग वही प्रोसीजर है UPSC वाला। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट आपका गवर्नर को पूछ के करता है, JAT में भी गवर्नर को पूछ के करता है। कंपोजिशन और टेन्योर है ये, CRM देख लो, याद करना करो, मत करना मत करो, छोड़ दो। जो अदर चीज़ें हैं CAT में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिविल प्रोसीजर कोड से ये गवर्न नहीं होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस,
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत इस लॉ से गवर्न होते हैं और इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, चंदन कुमार केस, इट वॉज इन 1997। तो सीईटी के बारे में ख़त्म। एसएटी सब स्टेट्स में नहीं है। अब आप बार बार पढ़ते हो एक चीज़, कॉपरेटिव फेडरलिज्म। तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म होता है जहाँ कॉपरेशन, जहाँ स्टेट और सेंटर आपस में कॉपरेशन करते हैं, फिर स्टेट दूसरे स्टेट से कॉपरेशन में होता है। आप चाहे तो एक बॉक्स बना लो, उसमें एक बॉक्स में लिखो स्टेट, एक में लिखो दूसरा स्टेट, एक में लिखो सेंटर, उनमें एरो एरो बना दो, बीच में लिखो कॉपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरह से आप एग्ज़ाम में फिगर बनाओगे। तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ से हुआ, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया कि आपको एसएटी बनानी है, वो भी आपने नहीं बनाया, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आएगा नहीं, तो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। खैर आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ें दूसरे टॉपिक्स में। JAT वही सेम ग्रेटर देन इक्वल टू टू स्टेट्स अगर आपकी मानते हैं, तो आर्टिकल 323 है आपका, ख़त्म। डिफरेंसेस याद कर लेना, यहाँ पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड है आर्टिकल 323 ए में। आर्टिकल 323 बी क्या है, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। यहाँ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है आपकी। आर्टिकल 323 बी क्या है, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। यहाँ पर आपकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हो सकती हैं, हायरार्की प्रेजेंट हो सकती है, और फंक्शंस इनके लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। ये लिस्ट है, सीधे सीधे पढ़ लो, रटना है रट लो, नहीं रटना मत रटो। तो ये तीन डिफरेंस भी हुए। यहाँ देखो, यहाँ पे पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ही हैं और यहाँ पे हायरार्की नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं बहुत सारे, हायरार्की हो सकती है, और फंक्शन आपके लक्ष्मीकांत में ये दिए हुए हैं, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री, लेबर, और ये बहुत सारे पढ़ लेना। ठीक, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म, इतने शॉर्ट में आपको पढ़ना है। ट्रिब्यूनल्स इज एंडेड इन 2 पेजेस, 1 पेज आर्टिकल 323 बी के लिए और 1 पेज आर्टिकल 323 ए के लिए। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए मैंने पढ़ा दिया, बुक में दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं से मैंने सब कुछ बनाया, कहीं इधर उधर से नहीं बनाया है। तो हिंदी मीडियम वाले मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होगी। अब जो हमने लिखा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये ऊपर चैप्टर लिख दिया मैंने, लक्ष्मीकांत का ये एडिशन है, फोर्थ एडिशन या फिफ्थ एडिशन, सबको सेम लिखा है। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये एनजीओ और एसएचजी नहीं होते हैं, इनको हम इंटरेस्ट ग्रुप, हितैषी समूह, या प्रभावक ग्रुप, हितार्थ समूह, या वेस्टेड ग्रुप हम कहते हैं। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग को। जैसे केजरीवाल साहब चिल्लाते रहते हैं, अजी ये बिरला वाले ने तो ये कर दिया है, उसी बेचारे की वजह से मुझे खांसी हो गई, अब तक सही नहीं हुआ आपको, मैं 10 दिन से पढ़ा नहीं पाया हूँ, सॉरी। तो इनका ओरिजिन यूएसए में माना जाता है, प्रेशर ग्रुप्स का, दबाव समूह। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। स्ट्रेटजी ये लोग क्या फॉलो करते हैं, इनकी तीन तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक होती है इलेक्शनियरिंग। मुझसे आज तक ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, आप कर लेना, कर लो, तो हिंदी में नियुक्तिकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, दीज पीपल ट्राई टू गेट अ फेवरेबल पर्सन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक गवर्नमेंट हो या किसी ऑफिस में हो, अपना आदमी बिठाने की कोशिश करते हैं। जैसे आरएसएस वालों ने मोदी जी को बिठा दिया, ये अपोजिशन वाले कहते हैं। दूसरा होता है लॉबिंग, लॉबिंग हिंदी में भी लॉबिंग ही लिखा है लक्ष्मीकांत में। ये क्या करते हैं, परसुएड। अब आपकी गवर्नमेंट नहीं है, पहले इलेक्शन रिंग में क्या है, नियुक्तिकरण में आपने अपना आदमी बिठा दिया, ये उस कंडीशन में होती है लॉबिंग कि आपने अपना आदमी नहीं बिठा पाया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप भूल जाओगे कि अपना काम नहीं करवाओगे, तो आप उनको मनाओगे, टू परसुएड, उनको मनाओगे। परसुएड एक परसुएशन एटीट्यूड चेंज में GS4 में इंपॉर्टेंट टर्म है। GS4 की लेक्चर सीरीज़ में पूरी पढ़ाऊंगा आपको, मेन से पहले ख़त्म कर दूंगा, काफ़ी पहले पहले मैं थोड़ा प्री पे फोकस करूं, इसके बाद मैप्स की लेक्चर सीरीज चलानी है, 50-50 और 20-20 भी चलानी है। तो उनको अपने लिए ये परसुएड करते हैं, इसे लॉबिंग कहते हैं। फिर प्रोपेगेंडा, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा हिंदी में, उसे प्रचार व्यवस्था कहते हैं, हिंदी में प्रोपेगेंडा भी आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप अपनी गवर्नमेंट भी नहीं बिठा पाए, नियुक्तिकरण इलेक्शनरिंग भी नहीं कर पाए, लॉबिंग भी नहीं कर पाए, मना भी नहीं पाए, आप क्या करो, जनता को मनाओ, गो टू द पब्लिक, ट्राई टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ओवर गवर्नमेंट। वाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, या कहीं भी गवर्नमेंट, टू द पीपल, बाई द पीपल, फॉर द पीपल, आप टू द पीपल, उन लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना है तो पहले पीपल के पास जाओ, पीपल का पेड़ नहीं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, बिजनेस ग्रुप, अब समझ में आया, आप एसोचैम फिक्की विक्की पढ़ते रहते हो, फिक्की डिक्की डिक्की, अब दलित कैपिटलिज्म आपने पढ़ा हो शायद एक टॉपिक, नहीं तो पढ़ लेना। दलित कैपिटलिज्म उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है डिक्की, बस बाकी मुझे नहीं पता, विजन में सर्च कर लो।
नेट पे सर्च करो दलित कैपिटलिज्म विजन करंट अफेयर्स, मिल जाएगा आपको, छोटा सा एक पैराग्राफ है, वहाँ पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मतलब मोदी जी की टर्म है दी हुई, आई लाइक दैट आर्टिकल वेरी मच। ट्रेड यूनियन दूसरे तरह के होते हैं, इनको लेबर ग्रुप भी कहते हैं, इसमें आप इतना याद कर लो, बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, एटक, AITUC, 1920 में ये बनाई गई थी, लाला जी ने बनाई थी सबसे पहले ट्रेड यूनियन। एग्रेरियन ग्रुप जो किसान सभा होती हैं, तो इसमें आप ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हैं ऑल इंडिया किसान सभा, बाकी नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, बहुत सारे, लक्ष्मी चाचा या लक्ष्मी ताऊ आपको जो कुछ कहना है उनकी बुक में लिखे हुए हैं, पढ़ वहाँ से चुपचाप से, अगर पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, देख लो। जैसे इसमें आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCIBC में आती है, स्टूडेंट काउंसिल भी आती हैं। शुड आई रीड इट फॉर यू फ्रॉम माई बुक? नो आई विल नॉट रीड, सॉरी, इतना मेरे टाइम नहीं है कि मैं बुक खोलूँ, सर्च करनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। तो खैर, तो हमारा ये लेक्चर अभी चलता जा रहा है, तो इस लेक्चर में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहली चीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए था, तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, ये आपका हो गया अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, उनके फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक उनकी शक्तियाँ, कार्य उत्तरदायित्व तो हो चुका है आपका, स्टैचुटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ हो गई, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे किसी लेक्चर में, काम भर का आपका हो गया, प्री के लायक हो गया, मेंस के लिए नहीं, प्रेशर ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना होता है, इतना पढ़ लो, इतना ही याद रख लो, बहुत बड़ी बात है। अब आपके लिए, अब ऐसा नहीं कि मैं ही इतना करूँगा, ये बनाने में लिटरली मुझे 4-5 दिन लगे थे। तो अपॉइंटमेंट आपके लिए असाइनमेंट है, अब असाइनमेंट क्या है, मैं आपको बहुत अच्छा असाइनमेंट देने वाला हूँ, अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करो तो आपका मन है, कोई मेरा प्रेशर नहीं है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इन नॉट मोर देन 30 to 50 वर्ड्स। तो जो मेंस की एग्ज़ाम कॉपी होती है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे पेज में लिखोगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेंस की एग्ज़ाम कॉपी कैसी है, मैं वेबसाइट से पहले अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट मार लो। तो ये क्वेश्चंस हैं, पहले आप जुडिशल रिव्यू, लक्ष्मीकांत 5th एडिशन में नया चैप्टर है, इसके बाद 5th एडिशन है, वहाँ से पढ़ लो, अदरवाइज़ नेट पर सर्च करो, जुडिशल रिव्यू के बारे में एक पैराग्राफ में ख़त्म होना चाहिए, इतना ही आपको 5th एडिशन में पढ़ना है। जुडिशल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, एक पैराग्राफ में ख़त्म होनी चाहिए। जुडिशल ओवररीच, न्यायिक अतिसंधान या अधिकता, एक पैराग्राफ में ख़त्म। PIL, नया चैप्टर लक्ष्मीकांत ने जोड़ा है, लेकिन एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 136, देखना उसमें आर्टिकल 136 और PIL में डिफरेंस क्या है। इसके बाद रेगुलेटरी स्प्रॉल, अभी मैंने बताया था बहुत सारी, विनियामक फैलाव क्या है। इसके बाद अगला रेगुलेटरी ओवररीच, विनियामक अतिसंधान क्या है। आर्टिकल 262, यह आपको लक्ष्मीकांत में वाटर ट्रिब्यूनल में मिलेगा, इंटर स्टेट रिलेशंस में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, आई थिंक इट वुड बी चैप्टर 15 और 14, 14 ही 15 होगा, आर्टिकल 262, इसके बारे में बताओ, ये आपको 30 से 50 वर्ड्स में लिखने। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वाई इट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वाट आर द रीजन्स बिहाइंड मेजर चेंजेस डन बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो हिंदी में यह है, इस पर महत्व प्रकाश डालिए, मिनी संविधान क्यों कहते हैं और इसमें बड़े बदलाव क्यों किए गए हैं, तो आपको ये 200 वर्ड्स में लिखना है। तो अब जब आप 200 वर्ड्स में लिखोगे या ऊपर वाले लिखोगे क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आपका ये A4 पेपर है तो ये आपकी मेंस की कॉपी का साइज़ होता है A4 पेपर पे। मैंने साल भर इसी में एसे राइटिंग, इसी में आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इसी में किया था। इफ़ यू पीपल लाइक, प्रिंट आउट लो, इसी पे करो, ऐसे लिखना है तो इसमें पेज नंबर 1 to 10 डाल दो, 10वां पेज रफ वर्क के लिए कर लेना, 1 to 9 आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे की गाइडेंस सीरीज़ में लेके आऊँगा, थोड़ा सा पॉलिटी से फ्री होने दो। तो ये मेंस की कॉपी का साइज़ है, 2016 की कॉपी जैसा मुझे मालूम चला है, ये 2.5 पेजेस फॉर 200 वर्ड्स, जो 200 वर्ड्स का आंसर था उसके 2.5 पेज दिए गए थे, उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड था 3 या 4 लाइन, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कॉपी मिली होगी। एक पेज पर नॉर्मली 60, 80 to 100 वर्ड्स लोग लिखते हैं, जो वो चींटी के पैरों के बराबर लिखते हैं वो 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, ऑन एन एवरेज जैसे मेरा है, चींटी के पैरों से थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ तो मेरे 70 to 80 वर्ड्स में आ जाता है पर पेज। आपके लिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि ट्राई टू राइट एवरी आंसर इन 2 पेजेस ओनली, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ ऑफ 200 वर्ड्स। तो जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, इसमें 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वाई इट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। ठीक, तो इसमें 3 क्वेश्चन है,
बिलीव मी, इफ़ यू रीड द क्वेश्चन वेल, UPSC इज 50% क्वालिफाइड एंड यू हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स. ट्राई टू राइट इन 2 पेजेस ओनली एवरी आंसर. सो वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़.